इस सम में हमें कैश बजट पूछा है 3 मंथ्स का। लेट स्टार्ट द सम। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस जो हमें दे रखा है 1,76,000 1 अप्रैल 2008 का। अब रिसिट्स, मैंने बताया था दो इंपॉर्टेंट रिसिट्स होती हैं, एक होती है कैश सेल्स, दूसरी होती है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल्स नोट 1। अब सबसे पहले हमें प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सेल्स नहीं दे रखा है, और सेलिंग प्राइस दे रखी है 200 रुपीज पर यूनिट। तो हम एक वर्किंग करते हैं, 8 कॉलम्स आप ड्रॉ कर लीजिए। मैंने बताया था हर सम में कम से कम 8 कॉलम तो होते ही हैं और यूज हो जाते हैं। अब मैंने क्वेश्चन में से प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया, मैंने एब्स्ट्रैक्ट रखा है क्वेश्चन का ताकि मुझे बार बार पीछे नहीं जाना पड़े। मुझे सेल्स चाहिए। अब सेल्स का फॉर्मूला होता है सेल्स इन यूनिट्स का, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, प्रोडक्शन दे रखा है, पर ओपनिंग स्टॉक हम लोग निकाल सकते हैं। जो फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मार्च का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, जो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अप्रैल का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। दिस वे वी विल कॉपी, ये 1,000 यहाँ कॉपी कर लेंगे तो हमें ओपनिंग स्टॉक मिलता जाएगा। अब हम सेल्स निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक प्लस करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होता है, जो आंसर आता है वो सेल्स होता है। तो फेब्रुअरी में ओपनिंग स्टॉक की डिटेल नहीं दे रखी है तो 0 मान के चलते हैं। 8,000 माइनस 2,000 6,000, फिर 10,000 माइनस 3,000 प्लस 2,000 तो 9,000 आएगा। 12,000 माइनस 1,000 प्लस 3,000 तो 14,000। 9,000 माइनस 3,000 प्लस 1,000 इज 7,000, देन 11,000 एंड 10,000। अब ये तो मुझे मिला सेल्स इन यूनिट्स, मुझे चाहिए सेल्स इन रुपीस। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस है 200 रुपीज पर यूनिट। कैलकुलेटर ऑन करें, 200 टाइप करें, इनटू इनटू दो बार दबाएं, फिर 6,000 इज इक्वल टू, फिर 9,000 इज इक्वल टू, 14,000 इज इक्वल टू, 7,000 इज इक्वल टू, 11,000 इज इक्वल टू एंड 10,000 इज इक्वल टू करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मुझे कैश और क्रेडिट पे जाना है। तो कैश इज 1:4, मतलब 1/5 विल बी द कैश पार्ट, क्योंकि 1 + 4 5 होता है। तो कैलकुलेटर पे कैसे निकालें, 1/5 इंटू इंटू, फिर 12 लाख इज इक्वल टू 2,40,000, फिर 18 लाख इज इक्वल टू, फिर 28 लाख इज इक्वल टू 14 लाख इज इक्वल टू 22 लाख इज इक्वल टू 20 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। अब मुझे चाहिए क्रेडिट सेल्स, और क्लियर करें, 4/5 इंटू इंटू दो बार दबाएं, फिर वापस वही 12 लाख इज इक्वल टू 18 लाख इज इक्वल टू 28 लाख इज इक्वल टू 14 लाख इज इक्वल टू 22 लाख इज इक्वल टू एंड 20 लाख इज इक्वल टू एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ वी नीड कैश सेल्स। तो 5,60,000 अप्रैल का है, 2,80,000 मई का है,
4,40,000 जून का है, तो मैंने अप्रैल में 560, मई में 280, जून में 440 यहां से लिख लिया। अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, नेक्स्ट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स इज कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर द सेल, मतलब जो भी फरवरी में माल बेचा होगा उसका 50% मार्च में मिलेगा, 40% इन द सेकेंड मंथ, मतलब 40% मिलेगा अप्रैल में, एंड रेस्ट व्हिच इज 10% मिलेगा मई में। अग्रीड। अब हम लोग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिख रहे हैं यहां पर, उसमें मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है 10, 40 एंड 50। मैंने हमेशा बताया है आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कि डेटर्स हमेशा फीफो मेथड में कलेक्ट होते हैं, तो पहले तो ये कलेक्ट होगा 960 वाला, ये पेमेंट मुझे कैसे करेगा? 50% पेमेंट कब करेगा? मार्च में। 40% पेमेंट कब करेगा? अप्रैल में। कैलकुलेशन ऑन करें, 9,60,000 इंटू 40%, तो आपको आएगा 3,84,000, वो अप्रैल में पेमेंट करेगा। अग्रीड। अब मई में कितना पेमेंट करेगा? 10%, तो 9,60,000 इंटू 10%, तो वो मई में लिखो यहां पर 96,000। हमेशा डेटर्स फीफो मेथड में कलेक्ट होते हैं, तो आपने अब फरवरी के डेटर्स से पेमेंट ले ली। थोड़ी देर के लिए मैं उसको स्ट्राइक आउट करता हूं। अब मार्च वाला पेमेंट कैसे करेगा? 50% अप्रैल में, तो कैलकुलेशन ऑन करें, 14,40,000 इंटू 50%, वो अप्रैल में। अब 40% सीधा टाइप करिए और आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे, और 10% टाइप करिए तो सीधा आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे, 5,76,000 एंड 1,44,000। तो एक ट्रिक है। अब 14,40,000 की पेमेंट मिल गई, अब तुम किसको बोलोगे? अप्रैल वाले को पेमेंट करने के लिए। वो कैसे पेमेंट करेगा? 50% पेमेंट करेगा वो मई में। कैलकुलेटर ऑन करो, 22,40,000 टाइप करो इनटू 50%, तो यहाँ लिख लो मई में, 40% जून में, 10% जुलाई में देगा, वो लिखना नहीं है। नेक्स्ट, इससे भी पैसे मिल गए। अब कैलकुलेशन ऑन करो, 11,20,000 टाइप करो इनटू 50%, वो जून में मिलेगा, राइट? बाकी तुम्हें लिखना नहीं है, और अप्रैल का 10% हमारे पास डेटा नहीं है, तो हमने डैश कर दिया। तो ये था कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब देख लीजिए और कोई इनकम है क्या? कैपिटल इनकम, एसेट वैसेट बेचा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो टोटल रिसिट्स आ गई अप्रैल की 18,40,000। अब पेमेंट्स करेंगे। पेमेंट्स में सबसे पहले मटेरियल की पेमेंट होती है, तो मटेरियल कंपोनेंट है 40% ऑफ सेलिंग प्राइस सेल्स का, और मटेरियल के लिए हमारे को फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट दे रखी है, द एंटिसिपेटेड सेल्स ऑफ ईच मंथ नेसेसरी परचेजेस आर मेड इन द प्रिसीडिंग मंथ, पहले मंथ में, मतलब जो भी मार्च में मटेरियल कंपोनेंट चाहिए उसका परचेज मैं फरवरी में करूंगा, प्रिसीडिंग मंथ, एक महीना पहले। फिर 50% मैं कैश में करता हूं और बाकी क्रेडिट पे करता हूं, और जो क्रेडिट पे करता हूं उसको भी टू इंस्टॉलमेंट्स में पे करता हूं, तो काफी अच्छी पॉइंट है। तो सबसे पहले तो हम परचेजेस निकाल देते हैं। अब हमारे पास ये 8 कॉलम खत्म हो गए, अब दूसरे 8 कॉलम बना दो, नीचे सेल्स लिख लो। अब मटेरियल्स, तो कैलकुलेशन ऑन करें, मटेरियल्स है 40%, तो 0.4 इंटू इंटू, अब 18 लाख इज इक्वल टू करना, क्योंकि फरवरी में वो मार्च की सेल्स का परचेज करेगा, ऐसे
फिर 28 लाख इज इक्वल टू, 1 महीना पहले खरीद रहा है, फिर 14 लाख इज इक्वल टू, फिर 22 लाख इज इक्वल टू, राइट, और फिर 20 लाख इज इक्वल टू विच इज 8 लाख। तो ये 1 महीना पहले खरीद रहा है, ये इस सम में न्यू पॉइंट है। अब कह रहा है 50% परचेज फॉर कैश एंड बाकी 50% क्रेडिट, तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, आधा आधा कर देना है। तो 7,20,000 डिवाइड बाई टू, 11,20,000 डिवाइड बाई टू, 5,60,000 डिवाइड बाई टू करोगे तो यहाँ पे इक्वल वैल्यूज आती जाएंगी। ओके राइट, यहाँ पर नहीं आनी चाहिए क्योंकि परचेजेस नहीं दे रखी है। चलिए अब हमें पेमेंट करनी है कैश परचेजेस की। पहले तो 2,80,000, 4,40,000 और 4 लाख, तो ये हम लोग पेमेंट करेंगे कैश परचेजेस नोट टू। 2,80,000, 4,40,000 एंड 4 लाख। अब आते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब पेमेंट टू क्रेडिटर्स दो इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं। द पेमेंट फॉर द रिमेनिंग परचेज आर मेड इन टू इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स देयर आफ्टर। अग्रीड, देयर आफ्टर मीन्स अब वो 50-50% पेमेंट करेगा, पर कैसे करेगा? जो फेब्रुअरी वाला है उसका 50% वो मार्च में करेगा, और 50% अप्रैल में, तो हमें अप्रैल का बना रहा है। तो आप लिखेंगे 1,80,000। अब मार्च का तो 50% वो देगा अप्रैल में, राइट, 280, एंड रिमेनिंग 50% देगा मई में, 280। नेक्स्ट, अब 180 वाला पेमेंट करेगा, 50% मई में, 140, एंड 50% जून में, 140, एंड सिमिलरली 440 वाला 220 मुझे जून में दे देगा। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है वेजेस, व्हिच इज 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो लेट अस कंप्यूट वेजेस नाउ, इट इज अ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो यार थोड़ा लॉजिकल बनो, 12 लाख का 10% होता है 1,20,000, तो 10% है करेक्ट, तो 12 लाख। अब एक एक जीरो काटते जाओगे तो आंसर आता जाएगा 180, 280, 140, 220 एंड 2 लैक्स। ये वैल्यूज नहीं है करेक्ट, कंफ्यूज ना करें फिर। चलिए अब लेबर के बारे में हमें क्या दे रखा है, टाइम लैग इज 1 मंथ, जनवरी का फरवरी में, फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, एंड 180 पे यहाँ करेंगे, 280 यहाँ और 140, तो 180, 280, 140 वेजेस, 180, 280, 140, राइट, इट्स वेरी सिंपल। अब ओवरहेड्स, ओवरहेड्स है डबल, 20% वेजेस का डबल है, तो लॉजिकली अभी हमें क्या करना है, 1,20,000 का डबल, 240, 360, 560, 280, 440 एंड 4 लाख। पेमेंट कैसे करनी है, 1 मंथ टाइम लैग। तो सेम कॉन्सेप्ट, 1 मंथ टाइम लैग है तो लॉजिकली डबल आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि लेबर में भी 1 मंथ टाइम लैग था, फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी 1 मंथ टाइम लैग, और फैक्ट्री ओवरहेड्स एग्जैक्टली डबल है, तो लॉजिकली 180 का डबल, 280 का डबल, 140 का डबल।
अब और क्या है देख लेते हैं। अ न्यू मशीनरी ऑफ 3 लाख विल बी परचेज्ड इन अप्रैल, द पेमेंट ऑफ व्हिच 20% एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड रिमेनिंग पेमेंट इज टू बी मेड इन 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स देयर आफ्टर। तो 3 लाख का 20% 60,000 होता है, हमें अप्रैल में देना है। तो परचेज ऑफ मशीनरी 60,000 अप्रैल में। अब 3 लाख में से 60,000 तो दे दिया, तो बाकी बचा 2,40,000। अब 2,40,000 को 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, तो डिवाइड बाय 6 करो, तो 2,40,000 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 40,000 आएगा मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो मई में 40 एंड जून में 40, दैट्स इट। नाउ वी नीड टू क्लोज द सम। टोटल ऑफ रिसिप्ट तो हमारे पास अप्रैल की है। अब पेमेंट्स का रोल करेंगे। क्लोजिंग कैश बैलेंस ए माइनस बी 5 लाख, दिस 5 लाख गोज ओवर हेयर, इसका रोल करेंगे 2,572। पेमेंट्स का रोल करेंगे ए माइनस बी 832, 832 इधर चला जाएगा, टोटल करेंगे, देन पेमेंट्स का टोटल एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। विश यू गुड लक।